तुम्हारे बचाने दे। अनीता, 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 ये घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार की, जहां एक 18 वर्षीय युवक अखिल की लाश संदिग्ध हालत में पाई गई। घटना के वक्त अखिल के माता पिता घर पर मौजूद नहीं थे और इस घटना से कुछ देर पहले अखिल और उसकी बड़ी बहन अनीता के बीच झगड़ा हो रहा था। क्या थी इस झगड़े की वजह और क्या इस झगड़े का सीधा ताल्लुक अखिल की मौत से था? आखिर क्यों झगड़ रहे थे अखिल और अनीता? क्या उनके झगड़े का संबंध किसी तीसरे व्यक्ति से था? अगर हाँ तो फिर ये तीसरा शख्स कौन था? क्या था रहस्य इस घटनाक्रम का? ये जानने के लिए नजर डालते हैं पिछले कुछ दिनों की मुख्य घटनाओं पर। ये तेरे लिए और ये तेरे लिए। थैंक यू। थैंक यू की क्या बात है, मैं मामा हूं तेरा। जेनर, ये सब लाने की क्या जरूरत थी? अरे जीजी, मैं आपका सगा भाई नहीं हुआ तो क्या हुआ, भाई तो हूं। वैसे जी जी, इतने सालों में अनीता काफी बड़ी हो गई है। हाँ बड़ी तो हो गई, लेकिन बचपना नहीं गया है माँ। अरे नहीं नहीं, हमारी बेटी बहुत समझदार है। अच्छा जनक, बताया नहीं किस काम से आए हो? अरे बस जी जी, वो तो जमीन के सिलसिले में आया, सोचा सबसे मिलता चलूं। हाँ चलो, अच्छा है उस बाने हमारी याद तो आई। बिल्कुल जीजा जी। चलो मैं चाय लेके आती हूँ। जीजा जी संभाल के। छोड़ो मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ठीक जी जी, जीजा जी ने कुछ ज्यादा ही पी लिया है हमारे आने की खुशी में। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो इसके हिस्से की भी मुझे ही पीनी पड़ी ना। ये साला मेरा मतलब साले जी तो पीते ही नहीं है। अच्छा मैं अभी खाना लगा देती हूँ, आपको सुबह उठ के जाना है ना, दिल्ली मीटिंग है आपकी। जी जी, हम लोग बाहर खाना खाकर आए। मैं सोता हूँ, सुबह उठा देना। जनक, मैंने तेरा बिस्तर अंदर बच्चों के कमरे में लगा दिया। अरे जी जी, इसकी काय जरूरत थी? अब हमारी वैसे बच्चे बाहर सोएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनीता तुम अपने कमरे में जाकर सो, हम बाहर सोएंगे। नहीं नहीं मामा जी, हम यही ठीक है। नहीं नहीं, कैसे ठीक है? जी जी,
क्या फर्क पड़ता है, बच्चे सोएंगे यहाँ। तुम जा, सो जा। ठीक है जीजी, आप बोलती हैं तो मान जाते हैं। अच्छा अब हम सोने जाते हैं, किसी चीज की जरूरत हो तो अनिता को बता देना। हाँ जी। कितनी पढ़ाई करती है, मेरा सर दर्द नहीं करता? हाँ नहीं मामा जी, हम ठीक है, रहने दीजिए। ऐसे कैसे ठीक है, कंधों पर इतना बोझ जो है, एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनना है तुझे, है ना? चल ठीक है, तू पढ़ाई कर। जी। सुन अनिता, क्या कर रही हो इतनी रात को? कुछ नहीं, बस बुक्स रखने आई थी। अब तुम एक काम करोगी? पानी का एक जग दे सकती हूँ क्या? ना बहुत प्यास लग रही है मुझे। मामा जी पानी का जग तो यही है। मैं बिना? कोई बात नहीं मामा जी। क्या बात है, बहुत नींद आ रही है? जी मामा जी। तो यहीं सो जाना। नहीं मामा जी। अरे बैठो 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 बैठो, क्या हुआ, यहीं सो जाओ। अखिल को भी अंदर ही बुला लो ना, सब साथ में सो जाएंगे। अब तो वो नहीं उठना है। अरे तो क्या हो गया, तुम सो जाओ मेरे पास। कोई बात नहीं मामा जी, मैं बाहर सो जाऊंगी, वैसे ही माने कहा है कि बाहर ही सोना है। अरे नीचे सोएगी क्या, नींद नहीं आएगी तुम्हें वहां पर, इतना बड़ा बेड पड़ा है। आजा। नहीं मामा जी, इट्स ओके। सुन, आज से 7-8 साल पहले भी जब मैं आता था, तुझे कहानी सुनाता था और तू मेरे ही गोद में सो जाया करती थी, तो अभी क्या हो गया? हाँ अरे सोच के रियो, आ चलो। ठीक है। सो जाओ आराम से। गुड नाइट मामा जी। गुड नाइट। क्या हुआ अनिता? कुछ नहीं मामा जी, बस बस यूं ही, हमें यहाँ नींद नहीं आ रही है। अरे क्या हुआ क्या? जनक अनिता का दूर का रिश्तेदार था और उसकी अनिता पर बुरी नजर थी। ये शख्स अपनी भांजी का शारीरिक शोषण करना चाहता था। एक प्रसिद्ध अखबार की खबर के अनुसार महिलाओं के साथ होने वाले यौन शोषण के
60% मामलों में अपराधी कोई पड़ोसी, जान पहचान वाला या फिर रिश्तेदार होता है। सोचकर ही हैरानी होती है कि आज के दौर में हमारी बहू बेटियां बहनें अपने ही सगे संबंधियों से सुरक्षित नहीं है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि जब आपका कोई भरोसेमंद रिश्तेदार आपकी बहू बेटी के साथ ऐसी करतूत करने की कोशिश करता है तो हमें उसके इरादों का आभास भी नहीं हो पाता है और अपराधी अपने इरादों में कामयाब हो जाता है। जीजा जी गए क्या? हाँ हाँ, दिल्ली चले गए सुबह। अच्छा देखो, अदरक वगैरह ठीक है ना? प्रेम उठ गई। अरे हमारे साथ में जाओ। प्रेम क्या करें, घर को मैदान बना कर रखा है। भागो मार। देखो लगता है मोच आ गई है। जनक तू जानता है ना मोच उतारना, देखो ना जरा। अभी देखता हूँ जीजी। सॉरी दीदी, मोच आ गया। देख ना चल, उठा देता हूँ। आराम संभाल के। देखा, हम कह रहे थे ना भागो मत, आई ना मोच। अच्छा हुआ जनक है नहीं तू। जीजी आप जाकर हल्दी वाला दूध लेकर आओ, इसकी मोच हम उतारते। हाँ ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। सॉरी ना। अरे बस अभी दर्द छू मंतर हो जाएगा। क्या हुआ, घबरा क्यों रही हो? तो दर्द नहीं होने देंगे हम तुझे। बहुत ही प्यार से तुम्हारी मोच उतारेंगे, बहुत ही प्यार से। अरे घबराओ मत, हम तुम्हारे मामा हैं। माँ माँ यानी दो दो माँ। रुक ना, रुक। ये लो दूध, ठीक हो गई मोच? जी जी जी, दूध पिलाई। हाँ माँ, मामा जी तो डॉक्टर भी हैं, एक ही झटके में मोच सही कर दी। नहीं माँ, बिल्कुल मन नहीं है। अरे और वैसे भी हम नहाए नहीं है, नहा के पी लेंगे। अच्छा ठीक है। और हाँ, बाथरूम में धुले हुए कपड़े हैं, वो बाहर सुखाने के लिए टांग दें। जी माँ। अरे ध्यान से। अरे मेरी भांजी, मैं हूँ तुम्हारा मामा। तुम इतना काम करती हो, पढ़ाई करती हो, मैंने सोचा तुम्हारी मदद कर दूँ थोड़ी। नहीं मामा, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी प्लीज। अनीता और उस जैसी दूसरी लड़कियां जो अपने रिश्तेदारों के हाथों यौन शोषण की शिकार होती हैं, उनके मन को गहरा धक्का तो पहुंचता ही है, साथ ही वो इस दुविधा की शिकार भी हो जाती हैं कि इस बात का जिक्र अपने माता पिता से करें तो कैसे करें। क्या अनीता अपने इस रिश्तेदार के गलत इरादों के बारे में अपनी माँ से बात करने का साहस जुटा पाएगी या फिर इसे छिपाकर उसके शोषण का शिकार होती रहेगी? आखिर उसकी ये कश्मकश उसे कहाँ ले जाने वाली थी? अरे आज तुम्हें इंग्लिश की तैयारी करनी है। अरे हम इंग्लिश की बुक तो कमरे में ही भूल गए।
मामा जी दरवाजा दरवाजा क्यों बंद किया आपने? अरे यही बात तो तुम भी समझ नहीं पा रहे हो। अरे 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 राम से इसाक को अपने अंदर पाल के रखेंगे ना, नहीं तू खुश रह पाएगी। अरे अभी तक अनिता पढ़ाई कर रही है, देखती हूँ। छोड़ बचा, वरना जीजी को हम खुद ही बुला लेंगे और बोलेंगे कि तू हमसे चिपट रही थी हमारे कमरे में आकर। अरे और वो हमारी बात सुनेंगी, तुझे गंदा समझेंगी। बोल बुलाएं क्या? किया जब वो क्या हो गया, ऐसी बातें क्यों कर? जाने तो मुझे। अरे अनिता कहाँ गई? माँ क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? हाँ वो दरअसल मैं अपनी किताबें रखने आई थी तो। अरे हाँ लेकिन इतना पसीना पसीना क्यों हो रही है, घबरा क्यों गई है तू? नहीं माँ वो दरवाजा खोल के मैं आपसे टकराई तो मैं डर गई कि कहीं चोर तो नहीं है घर में हमारे। रात भर जाग जाग के पढ़ाई करती, क्या हाल बना के रखा है तूने। चल मेरे कमरे में, चल मेरे साथ सो जा। जी मामा जी, इस नीच हरकत से अनीता डर गई, बेहद घबरा गई थी वो। उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे, मां से कहे या चुप रहे। ये लो बेटा रोटी। ये बहुत भूख लगी। हाँ हाँ गर्मा गर्म रोटी लेके आती हूँ। और भैया अखिल बहुत हैप्पी रहते हो आराम। पता नहीं जीजी ऐसे लग रहा था कि रात को हमारे कमरे में कोई चोर घुसाया था। अरे चोर नहीं अनीता होगी, पढ़ाई की भूत। पढ़ाई की भूत। अच्छा ये खत्म हुआ, मैं जल्दी चलेंगे। अच्छा अच्छा है। गर्मा गर्म। अरे वाह जीती वाह वाह, मजा आ गया। क्या हुआ अनिता, खाना क्यों नहीं खा रही बेटा, क्या हुआ? अरे खाना बस बस मामा जी। इसे क्या हो गया?
अनीता जब भी कोई मिठाई चुराती या कभी झूठ बोलती, यहां तक कि उसके मन में छिपी हर बात उसकी माँ बिना कहे समझ जाती थी। इसीलिए अनीता को यकीन था कि माँ आज बिना कहे उसकी तकलीफ का अंदाजा लगा लेगी। लेकिन न जाने क्यों आज माँ कुछ समझ ही नहीं पाई, और अनीता इस डर से माँ को कुछ नहीं कह पाई क्योंकि उसे लग रहा था जो कुछ हुआ उसमें गलती उसी की थी। और सिर्फ अनीता ही क्यों, बहुत सी मासूम लड़कियां और महिलाएं जिनके साथ ऐसा अपराध होता है वो यही सोचती हैं कि जरूर गलती उनसे हुई। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि गलती सिर्फ और सिर्फ अपराध करने वाले की है, उसकी सोच की है, और वो सजा का हकदार है। अब यहां सवाल ये था कि क्या अनीता कभी भी अपनी तकलीफ अपनी मां को बता पाएगी। क्या हो गया तुझे, मामा के साथ ऐसी हरकत क्यों की तूने? मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देती? गूंगी है तू? ये सिखा मैंने तुझे? क्या हुआ तुझे? क्यों हुआ? अनीता की माँ, कैसे है सब लोग घर में? अनीता कैसी है? ठीक। और जनक? ठीक। आप वापस कब आ रहे? मैं कह रही हूँ कि जल्दी वापस आ जाइए। वो भले कमाई कम होगी लेकिन सुबह शाम घर परिवार के साथ तो रहेंगे। क्या बात है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, बस कुछ नहीं, वो बच्चे याद कर रहे थे इसलिए। अच्छा ठीक है, बच्चों से कहना कि कल रात का खाना हम साथ ही खाएंगे। अब मैं फोन रखता हूँ। हाँ ओके। बोल देना। कैसी है, मस्त है, खेल ले? अनीता हमारे लिए पानी लाओ ना जरा। अखिल मामा के लिए पानी लेके आ। माम खेल रहे, दीदी को बोलो ना। पक पक मत कर, मैंने जो कहा वो कर। क्या बात है जीजी, सब ठीक तो है? जनक वो कितने दिन यहाँ रुकने वाला है? मैं बस दीदी, दो तीन दिन। क्यों? कुछ नहीं, गांव में चाचा जी के लिए दवाइयाँ भेजनी थी इसलिए पूछ रही थी। दवाई? तो दवाई तो मैं ही ले जाऊंगा। लोग क्या कहेंगे, ये छोटा सा वाक्य, ये छोटी सोच ना जाने कितने परिवारों की जिंदगी तबाह करती है। यहां भी ऐसा ही हुआ। अनीता की मां ने सब कुछ जानने के बाद भी अपने रिश्तेदार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। वजह और सोच वही कि लोग क्या कहेंगे। परिवार की बदनामी के डर से उन्होंने मामले को दबा देना ज्यादा बेहतर समझा, और उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये गलती उन्हें कितनी भारी पड़ने वाली है। Woo!
बेटा? क्या हुआ? कुछ बुरा सपना देखा क्या? क्या हुआ? तू आ जा, सो जा बेटा। जीजी, जीजा जी कब आ रहे हैं? आज रात तक आ जाएंगे। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। हमारी भी कल सुबह की ट्रेन है, तो उनसे मिलते हुए जाएंगे ना आराम से। हाँ। वैसे हम अभी बागपत जा रहे हैं कुछ काम से, शाम तक लौट आएंगे। हाँ? तो चले हम। अनीता, मैं सोच रही थी मंदिर में जाके कथा सुन के आऊं। नहीं माँ, प्लीज आप मेरे को घर में अकेला छोड़ के मत जाइए। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो आ गया तो वो शाम तक वापस नहीं आने वाला। वो अगर घर में होता तो मैं कहीं नहीं जाती। नहीं माँ, तू डर मत। और अखिल है ना? अखिल, अखिल मैं तुझसे बात कर रही हूँ, मोबाइल बगल में रख दे। सुन, मैं मंदिर जा रही हूँ, मामा बागपत गया, वो शाम तक नहीं आने वाले। तू दीदी का ख्याल रखना। हाँ, मस्ती नहीं करनी है, समझ गया तू? हाँ, मैं अभी आती हूँ। भगवान से प्रार्थना करके आती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मामा जी, आप माँ तो कह रहे थे आप शाम तक आओगे। हाँ भांजे, वो क्या है ना कि हमारी आज की मीटिंग कैंसिल हो गई। चलिए ना मामा जी, हम आप और दीदी सांप सीढ़ी खेलते हैं। सांप सीढ़ी दीदी के साथ खेलेंगे ना? जरूर खेलेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि तुम देवीलाल की दुकान पर जाओ और बालूशाही लेकर आओ। तुम्हें बालूशाही बहुत पसंद है ना? हाँ जी मामा जी, पर तो दुकान बहुत दूर है। अरे तो क्या हुआ, दूर है तो लो पैसे, लो आराम से वहां पर जाके बालूशाही खाओ। बल्कि हम तो कहेंगे कि वहां पर जाके आराम से बालूशाही खाओ और जो पैसे बचे उसकी हमारे लिए लेकर आओ। बल्कि अपने दोस्तों को भी साथ में लेकर जाओ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। जी मामा जी, जाओ जाओ जाओ। मामा जी क्या बात है अनीता रानी, दो दिन हो गए हमारे पास नहीं आई, हमारा नाम नहीं लिया। हाँ?
क्या हो गया? क्या हो गया? सुनना क्या हो? अरे चल क्रिकेट खेलते हैं। नहीं यार। क्यों भाई? मैं देवीलाल की दुकान पे जा रहा हूँ बालू शाही खाने। ये देख 200 रुपए दिए मामा जी ने। चलेगा तो बोल। हाँ चलते हैं। चल। अरे रुक जा, पैदल चलेंगे हम। ऐसा कर अपनी बाइक लेके आ, साथ में चलते हैं, मजा आएगा। सही बोल रहा है यार, रुक है, इसको पकड़, मैं अभी लेके आया। ठीक है यही रुक। छोड़ो मुझे। क्या दीदी? मामा जी दीदी पकड़ लिया, पकड़ लिया। अरे हम लोग पकड़ पकड़ा खेल रहे थे। अरे तू गया नहीं बालू शाही लेने? चल मैं लेकर आता हूँ। फिर आकर खेलेंगे पकड़म पकड़ाई। क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? दीदी बताना क्या हुआ? क्या हुआ दीदी? आपके मामा। हाँ फोन करना, तेरे जाते उन्होंने मेरे साथ क्या दीदी बोल? मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जब से वो आए मुझे परेशान करके रखा है। ये सब तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया दी? को तो मैं छोड़ूंगा। ओके अभी कुछ नहीं, देख पापा शाम को आने वाले, तब तक हम वेट करेंगे, उनके हाथ ही हम पापा को बता देंगे सब। नहीं दीदी छोड़ मेरे जान दे। नहीं मेरी बात सुन, तू कहीं नहीं जा रहा, तू यहीं रुकेगा, ठीक है? बाद में शाम तक दीदी बहुत हो गया। नहीं मेरी बात सुन। ओके मैंने कहा ना तू कहीं नहीं जा रहा, चल। नहीं छोड़। नहीं जा रही है सुनना। मुझे ऐसे नहीं, चलो। क्या हुआ? मैं बताती हूँ सब, चलो। दीदी दरवाजा खोल, हम उस मामा को छोड़ेंगे नहीं। दीदी दरवाजा खोल। तेरी हिम्मत कैसे हुई दीदी को हाथ लगाने की? छोड़।
तेरी हिम्मत कैसे हुई तेरी वजह से अनीता, 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 अखिल, अखिल, अखिल क्या हुआ बेटा? अखिल मेरे बच्चे, अखिल. बच्चे की जेब से 200 रुपए निकले. जेब में रखो, बॉडी को बाहर ले लो. चलो. अखिल, अखिल मेरा बच्चा, अखिल, अखिल, क्या हो गया मेरे बेटे को? मेरा बच्चा, क्या हो गया मेरे? एक मिनट, मैं बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजता हूँ. नहीं माँ. अखिल नहीं. संभालिए अपने आप को जीजा जी. जब ये हादसा हुआ तब आप कहाँ थे? मैं दिल्ली में था 3 दिन से. मेरा बेटा. मेरा बेटा. क्या हो गया जीजा जी, क्या हो गया? मेरा अकील, मेरा बच्चा. जब ये हादसा हुआ तब आप कहाँ थे? मैं मंदिर गई थी. किसने भी मारा हो उसे कह देना हमें भी मार दे. हमारे बेटे के बगैर जी नहीं सकते. मामा, मार दो मेरी माँ को जैसे तुमने मेरे भाई अखिल को मारा था. हम सबको मार दो. हम नहीं जी सकते अखिल के बिना पापा. ये तो क्या कह रही है अनीता? हाँ पापा, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ. इसी ने अखिल को मारा है. झूठ बोल रही है. अरे हम अपने भांजे को क्यों मारेंगे? जीजी, जीजी, मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही, तू झूठ बोल रहा है. जीजी, क्यों मारा मेरी बेटी को? क्यों मारा तूने? जीजी, जीजी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे मारूंगी. जीजी, क्या कह रहे हो? जीजी, ऐसा नहीं है. जीजी, इस बेटे साहब, ये मेरा भाई अमीना, मेरी बेटी के साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम चुप रहे. हम चुप रहे क्योंकि हमें लग रहा था कि मेरा भाई है. सबके सामने इसकी हरकत हम कैसे बताएं? लेकिन हमसे गलती हो गई इंस्पेक्टर साहब, गलती हो गई. उसी वक्त हम इसे सजा देते ना, हमारा अखिल आज जिंदा होता. क्या वे साबित कर सकती है कि आपके भाई अखिल को आपके मामा नहीं मारा है?
सुनो, सर को बताओ ना, तुम्हारे और खैर के बीच में क्या क्या बात हुई, क्या क्या हुआ है? सर, अखिल के मामा ने उसे 200 रुपए दिए थे बालूशाही खाने के लिए। फिर वो बस अड्डे पर पैदल जा रहा था, तो मैंने कहा कि बाइक से चलते हैं। उसके बाद वो बाइक की चाबी लेने घर गया, फिर वापस घर से आया ही नहीं। और फिर जब मैं यहाँ आया तो देखा कि ये पकड़ लो, ये रुक, रुक जा। एक मिनट सर। तुमने यही कहा था ना कि मामा का मतलब दो दो माँ, लेकिन तुम क्या जानो माँ होती क्या है, माँ का मतलब क्या है? मुझे तुमसे नफरत हो गई है, मुझे मामा नाम से नफरत है। ले जाइए अनीता के रिश्तेदार जनक सिंह को अपनी भांजी का शारीरिक शोषण करने की कोशिश के लिए आईपीसी के सेक्शन 354 और उसके भाई अखिल की हत्या के लिए सेक्शन 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ये केस हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। कोई हमारा चाहे कितना ही अच्छा सगा संबंधी क्यों ना हो, हम उसे कितना ही ज्यादा अच्छा क्यों ना मानते हो, हमारे लिए सबसे ज्यादा बढ़कर होने चाहिए हमारे बच्चे और उनकी सुरक्षा। बच्चे बेहद मासूम और भोले होते हैं, वो ऐसे अपराधियों के मन में छिपे कपट और उनकी गंदी सोच को समझ नहीं पाते, और ऐसे विकृत अपराधी बच्चों को ही अपना निशाना इसलिए बनाते हैं क्योंकि बच्चे बहुत जल्द उन पर भरोसा कर लेते हैं, उनके जाल में फंस जाते हैं, और बच्चों को डरा धमका कर खामोश करना भी बेहद आसान होता है। इसीलिए अपनों के भेस में छिपे ऐसे भेड़ियों से सावधान रहिए। अनीता की माँ ने अपने रिश्तेदार के अपराध को अनदेखा किया और इस भूल की कीमत उन्हें अपने बेटे की जान से चुकानी पड़ी। इसीलिए अपराध होते देख कर चुप मत बैठिए, पुलिस को सूचित कीजिए, अपराधी को सजा दिलवाइए। आइए प्रतिज्ञा करें कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ हम सब मिलकर बुलंद आवाज उठाएंगे। इसी विनती के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स।